आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि कुसंगति के कारण गांधी जी को बीड़ी पीने की आदत लग गई और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वे नौकर की जेब से पैसे चुराने लगे हर काम में बड़ों की रोका टोकी गांधी जी को अखरने लगी और अंततः उन्होंने आत्महत्या करने का सोचा पर ऐसा कर न सके गांधी जी के अनुसार आत्महत्या का विचार करना सरल है परंतु आत्महत्या करना सरल नहीं बहरहाल इस सब का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने बीड़ी पीने की आदत को त्याग दिया दूसरी चोरी उनसे तब हुई जब उनके भाई पर कुछ कर्ज बाकी था जिसकी अदायगी के लिए उन्हें अपने भाई का सोने का कड़ा कटवाना पड़ा इसके बाद गांधी जी ने निश्चय कर लिया कि वे जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे और उन्हें अपराध बोध हुआ जिसके निवारण हेतु उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखकर अपना दोष स्वीकार कर लिया फिर तो पिताजी की आंखों से जो अश्रुधारा बही तो गांधी जी के मैली मन को साफ कर गई तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय पिताजी की मृत्यु और मेरी दोहरी शर्म उस समय मैं सोलह वर्ष का था आपको बता ही चुका हूं कि पिताजी भगंदर की बीमारी के कारण बिल्कुल शैयावश थे उनकी सेवा में अधिकतर माताजी, घर का एक पुराना नौकर और मैं ये सारे रहते थे मेरे जिम्मे नर्स का काम था उनका घाव धोना उसमें दवा डालना मरहम लगाने के समय मरहम लगाना उन्हें दवा पिलाना और जब घर पर दवा तैयार करनी हो तो तैयार करना ये मेरा खास काम था रात हमेशा उनके पैर दबाना और इजाजत देने पर अथवा उनके सो जाने पर सोना यह मेरा नियम था मुझे ये सेवा बहुत प्रिय थी मुझे स्मरण नहीं कि मैं इसमें किसी भी दिन चूका हूं ये दिन हाई स्कूल के तो थे ही इसलिए खाने पीने के बाद का मेरा समय स्कूल में अथवा पिताजी की सेवा में ही बीतता था जिस दिन उनकी आज्ञा मिलती और उनकी तबीयत ठीक रहती उस दिन शाम को टहलने जाता था इसी साल पत्नी गर्भवती हुई मैं आज देख सकता हूं कि इसमें दोहरी शर्म थी पहली शर्म तो इस बात की कि का समय होती हुए भी मैं संयम से न रह सका और दूसरी यह कि यद्यपि स्कूल की पढ़ाई को मैं अपना धर्म समझता था और उससे भी अधिक माता पिता की भक्ति को धर्म समझता था और सो भी इस हद तक कि इस विषय में बचपन से ही श्रवण को मैंने अपना आदर्श माना था फिर भी विषय वासना मुझ पर सवारी कर सकी थी मतलब ये कि यद्यपि रोज रात को मैं पिताजी के पैर तो दबाता था लेकिन उस समय मेरा मन शयन गृह की ओर भटकता रहता था और सोभी ऐसे समय जब स्त्री का संग धर्मशास्त्र वैद्यक शास्त्र और व्यवहार शास्त्र के अनुसार त्याज्य था जब मुझे सेवा के काम से छुट्टी मिलती तो मैं खुश होता और पिताजी के पैर छूकर सीधा शयन गृह में पहुंच जाता पिताजी की बीमारी बढ़ती जाती थी वैद्यों ने अपने लेप आजमाई साधारण की घरेलू भी, भी शल्य क्रिया ही रोग का एकमात्र उपाय है परिवार के एक मित्र वैद्य बीच में पड़े और उन्होंने पिताजी की उत्तरावस्था में ऐसी शल्य क्रिया को नापसंद किया तरह तरह की दवाओं की जो बोतलें खरीदी थीं, वे व्यर्थ गई और शल्य क्रिया नहीं हुई वैद्यराज राज और प्रसिद्ध थे मेरा ख्याल है कि अगर वे शल्य क्रिया होने देते तो घाव के भरने में दिक्कत ना होती शल्य क्रिया उस समय के बंबई के प्रसिद्ध सर्जन के द्वारा होने को थी पर अंतकाल समीप था इसलिए उचित उपाय कैसे हो पाता पिताजी शल्य क्रिया कराए बिना ही बंबई से वापस आए साथ में इस निमित्त से खरीदा हुआ सामान भी लेते आए वे अधिक जीने की आशा छोड़ चुके थे कमजोरी बढ़ती गई और ऐसी स्थिति आ पहुंची कि प्रत्येक क्रिया बिस्तर पर ही करना जरूरी हो गया लेकिन उन्होंने आखिरी घड़ी तक इसका विरोध ही किया और परिश्रम सहने का आग्रह रखा वैष्णव धर्म का यह कठोर शासन है बाह्य शुद्धि अत्यंत आवश्यक है पर पाश्चात्य वैदिक शास्त्र ने हमें सिखाया है कि मल मूत्र विसर्जन की और स्नानादि की सब क्रियाएं बिस्तर पर लेटे लेटे संपूर्ण स्वच्छता के साथ की जा सकती है और रोगी को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती जब देखो तब उसका बिछौना स्वच्छ ही रहता है इस तरह साधी गई स्वच्छता को मैं तो वैष्णव धर्म का ही नाम दूंगा पर उस समय स्नानादि के लिए बिछौना छोड़ने का पिताजी का आग्रह देखकर मैं आश्चर्यचकित ही होता था और मन में उनकी स्तुति किया करता था अवसान की घोर रात्रि समीप आई उन दिनों मेरे चाचा जी राजकोट में थे मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि पिताजी की बढ़ती हुई बीमारी के समाचार पाकर ही वे यहां आए थे दोनों भाइयों के बीच अटूट प्रेम था चाचा जी दिन भर पिताजी के बिस्तर के पास ही बैठे रहते और हम सबको सोने की इजाजत देकर खुद पिताजी के बिस्तर के पास सोते किसी को यह ख्याल तो था ही नहीं कि ये रात आखिरी सिद्ध होगी वैसे डर तो बराबर बना ही रहता था रात के साढ़े दस या ग्यारह बजे होंगे मैं पैर दबा रहा था चाचा जी ने मुझसे कहा जा अब मैं बैठूंगा मैं खुश हुआ और सीधा शयन गृह में पहुंचा पत्नी तो बेचारी गहरी नींद में थी पर मैं सोने कैसे देता मैंने उसे जगाया पांच सात मिनट ही बीते होंगे इतने में जिस नौकर की मैं पहले चर्चा कर चुका हूं उसने आकर किवाड़ खटखटाया मुझे धक्का सा लगा मैं चौंका नौकर ने कहा उठो बापू बहुत बीमार हैं मैं जानता था कि वे बहुत बीमार तो थे ही इसलिए यहां बहुत बीमार का विशेष अर्थ समझ गया एकदम बिस्तर से कूद पड़ा। कह तो सही क्या बात है जवाब मिला बापू गुजर गए मेरा पस्ताना किस काम आता मैं बहुत शर्माया बहुत दुखी हुआ दौड़कर पिताजी के कमरे में पहुंचा बात मेरी समझ में आई कि अगर मैं विषयांध ना होता तो इस अंतिम घड़ी में यह वियोग मुझे नसीब ना होता और मैं अंत समय तक पिताजी के पैर दबाता रहता अब तो मुझे चाचा जी के मुंह से ही सुनना पड़ा बापू हमें छोड़कर चले गए अपने बड़े भाई के परम भक्त चाचा जी अंतिम सेवा का गौरव पा गए पिताजी को अपने अवसान का अंदाज हो चुका था उन्होंने इशारा करके लिखने का सामान मंगाया और कागज पर लिखा तैयारी करो इतना लिखकर उन्होंने अपने हाथ पर बंधा ताबीज तोड़कर फेंक दिया सोने की कंठी भी तोड़कर फेंक दी और एक क्षण में आत्मा उड़ गई पिछले अध्याय में मैंने अपनी जिस शर्म का जिक्र किया है वो यही शर्म है सेवा के समय भी विषय की इच्छा इस काले दाग को मैं आज तक मिटा नहीं सका भूल नहीं सका और मैंने हमेशा माना है कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी अपार भक्ति थी उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था तथापि सेवा के समय भी मेरा मन विषय को छोड़ नहीं सकता था यह सेवा में रही हुई अक्षम्य त्रुटि थी इसी से मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला मानते हुए भी विषयांध माना है इससे मुक्त होने में मुझे बहुत समय लगा और मुक्त होने से पहले कई धर्म संकट सहने पड़े अपनी इस दोहरी शर्म की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं ये भी कह दूं कि पत्नी का जो बालक जन्मा वो दो या चार दिन जीकर चला गया कोई दूसरा परिणाम हो भी कह सकता था जिन मां बापों को अथवा जिन बाल दंपत्ति को चेतना हो वे इस दृष्टांत से चेत जाएं अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय पिताजी की मृत्यु और मेरी दोहरी शराब वाचन स्वर था जनेन्द्र सिंह का प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज